आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। सवाल ये है कि क्या इससे राजस्थान की सियासत में कोई बदलाव होगा या फिर आने वाले दिनों में हरियाणा की सियासत में? राजस्थान के दाता रामगढ़ विधानसभा के गांव में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की उम्मीदवार रीटा सिंह का चुनाव प्रचार। राजस्थान के एक प्रमुख सियासी परिवार नारायण सिंह की बहू रीटा सिंह का त्रिकोणीय राजनीतिक मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। हरियाणा में भले बीजेपी जेजेपी की सहयोगी पार्टी हो, लेकिन राजस्थान में रीटा सिंह को बीजेपी के उम्मीदवार गजानंद कुमावत से कड़ी राजनीतिक टक्कर मिल रही है। हालांकि ये बात अलग है कि हरियाणा के गठबंधन का लिहाज करते हुए दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे के लिए सदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी वहां पर हरियाणा में सहयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो एक सहयोग से वहां पर सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन राजस्थान में जननायक जनता पार्टी ने फैसला किया कि वो चुनाव लड़ेगी और लगभग मेरे ख्याल से अब तक आज तक 25 या 26 सीटों पर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार आज डटे हुए हैं। देखो, हरियाणा की जेजेपी है तो हरियाणा में वो गठबंधन है, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, नहीं कि लोकल है, हमारे यहाँ पर स्तर पर गठबंधन है। यहाँ जेजेपी अपना कैंडिडेट उतार रही है, हमारा कैंडिडेट अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, यहाँ गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हरियाणा में पहले ही बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ओपी धनखड़ और वीरेंद्र सिंह जैसे नेता ही उठा रहे हैं। इसी के चलते राजस्थान में भी गठबंधन को लेकर जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वो विरोध कर रहे थे। लेकिन राजस्थान में जेजेपी 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी की निगाह हरियाणा से सटे ग्रामीण जाट मतदाताओं पर टिकी है। जानकार कहते हैं कि हरियाणा में जिस तरह महज 10 सीटें जीतकर जेजेपी के पास सत्ता की चाबी चली गई थी, उसी तरह उसे उम्मीद है कि राजस्थान में भी अगर त्रिशंकु सरकार के आसार बने तो यहां भी उसे सियासी फायदा पहुंच सकता है। यही वजह है कि हरियाणा से सटे सीकर, शेखावटी, अलवर जैसे इलाकों में दुष्यंत चौटाला परंपरागत तरीके से चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। सीकर से जगदेव सिंह पंवार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।